In this lecture we will discuss about blood platelets which is also called thrombocytes. तो हमें पता है कि ब्लड एक यूवी लिमिटर ब्लड में जो है 1.5 से लेकर के 3.5 लैक्स तक ब्लड प्लेटलेट्स प्रेजेंट होते हैं. हमें ये भी पता है कि 1 क्यूबिक मिलीमीटर ब्लड में 6000 से लेकर के 8000 तक WBC प्रेजेंट होते हैं. और हमें ये भी पता है कि 1 क्यूबिक मिलीमीटर ब्लड में 5 से लेकर के 5.5 मिलियन तक RBC प्रेजेंट होते हैं. और अब हम ब्लड प्लेटलेट्स के बारे में बात कर रहे हैं. ब्लड प्लेटलेट्स भी एक पार्ट है. किसका पार्ट है? फॉर्म्ड एलिमेंट का पार्ट है या ब्लड कापा सेल्स का एक पार्ट है. तो 1.5 से 3.5 लाख तक ब्लड प्लेटलेट्स जो हैं एक क्यूबिक मिलीलीटर ब्लड में प्रेजेंट होते हैं. इफ़ नंबर ऑफ ब्लड प्लेटलेट्स डिक्रीजेज देन द कंडीशन इज कॉल्ड थ्रम्बोपीनिया या थ्रम्बोसाइटोपीनिया. अगर ब्लड प्लेटलेट्स का जो ब्लड प्लेटलेट्स जब ब्लड में कम हो जाता है उसकी मात्रा डिक्रीज हो जाती है, अमाउंट डिक्रीज हो जाती है, देन वॉट वी कॉल इफ द नंबर ऑफ ब्लड प्लेटलेट्स डिक्रीजेज इन द ब्लड दैट कंडीशन इज कॉल्ड थ्रम्बोसाइटोपीनिया या थ्रम्बोपीनिया. फॉर्म्ड एलिमेंट का एक और टाइप था WBC. और WBC की जब ब्लड में कम हो जाती थी तो उसे हम क्या कहते थे? ल्यूकोपीनिया या ल्यूकोसाइटोपीनिया. और जब हम RBC कम हो जाती थी तो उसे कौन क्या कहते थे? अर्थ्रोसाइटोपीनिया एनीमिया. क्या कहते थे? अर्थ्रोसाइटोपीनिया एनीमिया. ये हम पहले लेक्चर में बता चुके हैं, ये हम आपका रिवीजन के लिए बता दे रहे हैं ऐसे ही. एंड इफ़ द नंबर ऑफ ब्लड प्लेटलेट्स इंक्रीज देन द कंडीशन इज कॉल्ड थ्रम्बोसाइटोसिस. अगर ब्लड प्लेटलेट्स का जो नंबर है ब्लड में वो इंक्रीज हो जाता है तो उसे हम थ्रम्बोसाइटोसिस कहते हैं. और अगर WBC का नंबर जो है वो इंक्रीज हो जाता है ब्लड में तो उसे हम क्या कहते हैं? ल्यूकोसाइटोसिस. क्या कहते हैं? ल्यूकोसाइटोसिस. और अगर RBC का नंबर इंक्रीज हो जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं ब्लड में? पॉलीसेथमिया. क्या कहते हैं? पॉलीसेथमिया कहते हैं. ब्लड प्लेटलेट्स हमें किस में हेल्प करता है? ब्लड प्लेटलेट्स ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है. अगर कोई पूछे ब्लड प्लेटलेट्स का हमारे बॉडी में क्या काम है तो हम कहते हैं ना कि ब्लड प्लेटलेट्स ब्लड क्लॉटिंग में, यानी जब हम एग्लूटिनोजन में हेल्प करता है, यानी जब हमारी बॉडी से ब्लड निकलने लगता है तो ब्लड प्लेटलेट्स क्या करता है? ब्लड को क्लॉट कर देता है, ब्लड को जमा देता है, थक्का जमा देता है, जिसकी वजह से ब्लड ज़्यादा हमारी बॉडी से निकल नहीं पाता है और हमें ब्लड की कमी नहीं हो पाती है. और जिन लोगों को ब्लड प्लेटलेट्स की कमी होती है उनको अगर थोड़ा सा भी कट्स लग जाए तो उनके बॉडी से बहुत ज़्यादा ब्लड निकलने लगता है. नॉर्मल टाइम जो होता है वो ब्लड क्लॉटिंग का 2 से लेकर के 8 मिनट तक होता है. 2 to 8 मिनट नॉर्मल टाइम है. अगर ऐसा 2 से 8 मिनट के बीच में ब्लड क्लॉटिंग नहीं हुआ तो इसका मतलब आपको एक बीमारी है जिसे कहते हैं कि ब्लड प्लेटलेट्स कम हो गई है. ब्लड प्लेटलेट्स कम होने की वजह से ब्लड क्लॉटिंग आपकी लेट होगी. जब थ्रोम्बोपेनिया कंडीशन होती है यानी ब्लड प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है ब्लड में, तब क्या होता है कि ब्लड क्लॉटिंग जो है वो स्लो हो जाती है. और थ्रम्बोसाइटोसिस कंडीशन में क्या होता है? ब्लड क्लॉटिंग बहुत तेज़ हो जाती है. जब ब्लड प्लेटलेट्स आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा रहते हैं तो उसे थ्रम्बोसाइटोसिस कहते हैं. और थ्रम्बोसाइटोसिस कंडीशन में ब्लड क्लॉटिंग बहुत फास्टर रेट से होती है, जबकि थ्रम्बोपेनिया कंडीशन में ब्लड क्लॉटिंग जो है वो बहुत स्लो हो जाती है. जो प्लेटलेट्स होते हैं उनकी साइज 2 से लेकर के 3 माइक्रोन डायमीटर में होती है. यानी थ्रोम्बोसाइट्स की जो डायमीटर होता है, साइज जो होती है, उन साइज में जो डायमीटर है उसका 2 to 3 माइक्रोन है. और उनका जो थ्रोम्बोसाइट्स है यानी ब्लड प्लेटलेट्स है वो स्फेरिकल शेप का भी हो सकता है, ओवल शेप का भी हो सकता है, बाइकॉन्वेक्स शेप का हो सकता है या इररेगुलर शेप का हो सकता है. हमने बताया था कि ब्लड प्लेटलेट्स एक फ्रैगमेंट है, सेल का फ्रैगमेंट है. तो जब वो सेल का फ्रैगमेंट है तो उसमें न्यूक्लियस अब्सेंट होगा. तो ब्लड प्लेटलेट्स में यानी थ्रोम्बोसाइट्स में न्यूक्लियस क्या होता है? अब्सेंट होता है. लाइफ स्पैन उसकी
3 डेज हो सकती है, या 4 डेज हो सकती है, या 5 डेज हो सकती है, या 1 वीक हो सकती है। यानी ब्लड प्लेटलेट्स की लाइफ स्पेन कितने मैक्सिमम 1 वीक तक हो सकती है, और आरबीसी की लाइफ स्पेन कितने दिन तक हो सकती है, 120 डेज तक। और डब्ल्यूबीसी की लाइफ स्पेन, डब्ल्यूबीसी में जो ए ग्रैनुलोसाइट्स होते हैं उनकी लाइफ स्पेन 1 से 2 दिन तक होती है, जबकि जो ग्रैनुलोसाइट्स हैं उनकी लाइफ स्पेन 10 से 12 दिन तक होती है, ये हम पहले बता चुके हैं। और ग्रैनुलोसाइट्स में जो मोनोसाइट्स होती है उनकी जो लाइफ स्पेन है वो बहुत ज़्यादा दिन तक रह सकती है, तो इसीलिए उसे बहुत ज़्यादा आई एम सॉरी सॉरी लिम्फोसाइट्स की जो लाइफ स्पेन है, ये ए ग्रैनुलोसाइट्स का टाइप है डब्ल्यूबीसी में। लिम्फोसाइट्स, लिम्फोसाइट की जो लाइफ स्पेन है वो कुछ दिन से लेकर के कुछ साल तक हो सकती है, तो इसीलिए सबसे ज़्यादा लाइफ स्पेन अगर फॉर्म्ड एलिमेंट में किसी का है तो लिम्फोसाइट का है। और लिम्फोसाइट किसका टाइप है, डब्ल्यूबीसी का टाइप है। डब्ल्यूबीसी में किसका टाइप है, ए ग्रैनुलोसाइट्स का, यानी इसमें ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। रेड बोन मैरो में लार्जर सेल्स जिसे मेगा कैरियोसाइट सेल्स कहते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, और उन्हीं के फ्रेगमेंट को हम मेगा कैरियोसाइट के फ्रेगमेंट जब हम कर देते हैं तो उससे ब्लड प्लेटलेट्स फॉर्म्ड होता है। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि देखिए जब भी किसी एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा एक्सेप्शन पे क्वेश्चन आते हैं, वैसे ही जो टेढ़े होते हैं उन्हीं को सब पूछते हैं, सीधे लोगों को कोई नहीं पूछता, तो ऐसे ही जो बायो में जितने भी एक्सेप्शन हैं उसी पे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो इन फ्रॉग ब्लड प्लेटलेट्स आर प्रेजेंट इन फ्रॉग ब्लड प्लेटलेट्स आर नॉट प्रेजेंट सॉरी इन प्लेस ऑफ ब्लड प्लेटलेट्स अनदर सेल्स आर प्रेजेंट कॉल स्पिंडल सेल विच आर न्यूक्लिएटेड एंड हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग। फ्रॉग में हमने बताया था फ्रॉग में आरबीसी भी नहीं प्रेजेंट होती है, आरबीसी उसके ब्लड प्लाज्मा में डिजॉल्व फॉर्म में होती है, तो फ्रॉग में जो है ब्लड प्लेटलेट्स प्रेजेंट नहीं होता, ब्लड प्लेटलेट्स की जगह पे स्पिंडल सेल्स प्रेजेंट होती हैं जो न्यूक्लिएटेड होती हैं। अब ब्लड प्लेटलेट्स कैसा होता है, ई न्यूक्लिएटेड, यानी उसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, लेकिन जो फ्रॉग में स्पिंडल सेल्स प्रेजेंट होती हैं ब्लड प्लेटलेट्स की जगह पे वो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती हैं, लेकिन वो कैसी होती हैं, न्यूक्लिएटेड होती हैं, यानी उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। जब थ्रोम्बोसाइट्स या ब्लड प्लेटलेट्स जिसे हम कहते हैं, जब वो एयर के कांटेक्ट में आ जाता है, यानी बाहर जब आता है एयर के कांटेक्ट में आता है या किसी रफ सरफेस के कांटेक्ट में आता है तो डीजनरेट हो जाता है, और क्या करता है, चार फैक्टर रिलीज करता है, चार फैक्टर निकालता है, जिसे ब्लड प्रेशर फैक्टर 1, ब्लड प्रेशर फैक्टर 2, ब्लड प्रेशर फैक्टर 3, ब्लड प्रेशर फैक्टर 4, यहाँ पे हम F लगाना भूल गए हैं, ये चारों फैक्टर वो रिलीज करता है। कौन कौन से, ब्लड प्रेशर फैक्टर 1, ब्लड प्रेशर फैक्टर 2, ब्लड प्रेशर फैक्टर 3 एंड ब्लड प्रेशर फैक्टर 4। इसमें से जो ब्लड प्रेशर फैक्टर 3rd है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो डायरेक्टली ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। जनरली क्या होता है, जो ब्लड वेसल्स की इनर लेयर होती है वो बहुत ही स्मूथ होती है, लेकिन अगर उसमें जैसे कैलेस्ट्रॉल हुआ, फैट्स, लिपिड्स, कैल्शियम आयन, फाइब्रस टिश्यू, अगर इनर सरफेस में, ब्लड वेसल्स के इनर सरफेस में डिपॉजिट हो जाए, जम जाए, तो इनर सरफेस क्या हो जाती है, रफ़ हो जाती है, ब्लड वेसल्स की इनर सरफेस रफ़ हो जाती है, जिसकी वजह से प्लेटलेट्स जो है वो रफ सरफेस से कोलाइट्स करते हैं, और कोलाइट्स करेंगे तो क्या हो जाएंगे, वो डीजनरेट हो जाएंगे। जब वो डीजनरेट होंगे तो क्या, चार फैक्टर रिलीज करेंगे, चार फैक्टर में जो मेन फैक्टर है ब्लड प्रेशर फैक्टर 3rd विच फॉर्म अ ब्लड क्लॉट इनसाइड ब्लड वेसल्स, चार फैक्टर रिलीज करेंगे जिसमें ब्लड प्रेशर फैक्टर 3rd जो है वो डायरेक्टली क्या करेगा, ब्लड क्लॉट करेगा, कहाँ पे करेगा, इनसाइड ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स के अंदर वो ब्लड प्रेशर फैक्टर 3rd क्या करेगा, ब्लड क्लॉट करेगा।
जनरली इनर लेयर ऑफ ब्लड वेसल्स इज स्मूथ. सामान्यतः क्या होता है, इनर लेयर जो होती है ब्लड वेसल्स की वो स्मूथ होती है, स्क्वैमस एपिथीलियम की बनी होती है. लेकिन अगर कोई सब्सटेंस जैसे कैलेस्ट्रॉल, फैट्स, लिपिड्स, कैल्शियम आयन, फाइब्रस टिश्यू डिपॉजिट हो जाता है इनर सरफेस में, ब्लड वेसल्स के इनर सरफेस में डिपॉजिट हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लड वेसल्स क्या हो जाती हैं, रफ़ हो जाती हैं. उसकी ब्लड वेसल्स की इनर लेयर रफ़ हो जाती है और ब्लड प्लेटलेट्स क्या हो जाते हैं, उस पे कोलाइड्स होते हैं और रफ़ सरफेस पे, और वो डिजनरेट हो जाते हैं. जब वो डिजनरेट होते हैं तो रिलीज करते हैं, चार फैक्टर रिलीज करते हैं, जिसमें से ब्लड प्रेशर फैक्टर थर्ड, जो डायरेक्टली क्या करता है, ब्लड क्लॉट करने में, इनसाइड ब्लड वेसल्स में हेल्प करता है. आप लोग ये फिगर देख रहे हैं, ये है हमारी ब्लड वेसल्स, ये कोई भी ब्लड वेसल्स है, और ये हमारा जो है ये कैलेस्ट्रॉल, लिपिड्स, फैट्स, कैल्शियम आयन, फाइब्रस टिश्यू, कुछ भी हो सकता है. ये क्या करेगा, ये यहाँ पे आ गया. अब हमारी जो ब्लड प्लेटलेट है इससे कोलाइट्स होगी, अब इससे कोलाइट्स होके ये थ्रॉम्बस बनाएगी, और थ्रॉम्बस बनाने की प्रोसेस को हम थ्रॉम्बोसिस कहते हैं. इसको अभी हम अच्छे से समझाते हैं, एक मिनट. एनी ब्लड क्लॉट फॉर्म्ड इनसाइड ब्लड वेसल्स कॉल्ड थ्रॉम्बस, एंड द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ थ्रॉम्बस कॉल्ड थ्रॉम्बोसिस. कोई भी ब्लड क्लॉट जो है ब्लड वेसल्स के अंदर बनता है, कोई भी ब्लड क्लॉट यानी ब्लड का थक्का ब्लड वेसल्स के अंदर बनता है, तो उसको थ्रॉम्बस कहते हैं. ये देखिए, ये है थ्रॉम्बस, और ये थ्रॉम्बस बनने की प्रोसेस को हम थ्रॉम्बोसिस कहते हैं. क्या कहते हैं? थ्रॉम्बोसिस कहते हैं. नॉर्मल जो ब्लड कैलेस्ट्रॉल लेवल होता है वो 80 से लेकर के 180 मिलीग्राम इन 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड में होता है, और नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल जो होता है बॉडी में वो 80 से लेकर के 120 मिलीग्राम इन 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड में प्रेजेंट होता है. इन अनदर वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट प्रोसेस ऑफ ब्लड क्लॉटिंग. थैंक्स फॉर वॉचिंग.